रीना और रवि इस बात से बेहद खुश थे कि उनकी नौकरी में ट्रांसफर होने की वजह से अब उन्हें एक नए शहर में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन वो इस बात से बेहद परेशान थे कि उन्हें फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए शहर में नए लोगों के बीच में करनी थी। लेकिन उससे पहले उन्हें अपने घर के सामान की पैकिंग और शिफ्टिंग की बड़ी चिंता थी। उसके ऊपर नया घर ढूंढना, बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन करना, नए लोगों के बीच में एडजस्ट होना, काम की हर चीज के लिए दुकानों को ढूंढना और नए शहर के मौसम के हिसाब से खुद को डालना, ये वाकई में बहुत परेशान करने वाली बातें थीं। लेकिन ये ऐसी बातें थीं जिनसे भागा नहीं जा सकता था। आज नहीं तो कल इन्हें ये सब फेस करना ही था। लेकिन फिर भी क्यों रवि और रीना इतना परेशान थे? क्योंकि उन्हें चिंताएं ज्यादा बड़ी लग रही थी और संभावनाएं बहुत छोटी, या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ मिस कर दिया था। जी हाँ, उन्होंने कुछ नहीं, बहुत कुछ मिस कर दिया था। बाइबल कहता है कि किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, मगर प्रार्थना करो। याद कीजिए, बाइबल ऐसे लोगों के उदाहरण से भरी पड़ी है जिनकी जिंदगियों में हजारों तरह की परेशानियां थी। पौलुस, दानियल, यूसुफ, लाजर, यीशु के चेले। लेकिन जब जब उन पर परेशानियां आई, उन्होंने प्रार्थना की और कैसे हर बार परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग निकाला। हाँ, हो सकता है कि रास्ते आसान ना हो, लेकिन रास्ते ना हो यह हो नहीं सकता। इसलिए चिंता मत कीजिए, बल्कि प्रार्थना कीजिए और देखिए कैसे परमेश्वर आश्चर्यजनक तरीकों से आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं। क्या आप कोशिश करेंगे?